हाय गाइस, गाइस आई मीन बॉक्सिंग का टेस्टिंग करने वाला मैं टू आर सी कार वन रिमोट कंट्रोल कार की। भाई आ जाते हैं मेरे एक टू आर सी कार थ्री डी लाइट वाली, और आ जाते भाई हमारे स्पोर्ट्स टू फंक्शन वाली कार। भाई फटाफट से बॉक्स में इनको निकाल लेता हूँ भाई, और देखते हैं भाई बॉक्स में हमें क्या इनके साथ इंक्लूड मिलता है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा भाई बॉक्स में हमें कार एंड रिमोट मिल जाती है येलो कार के साथ। आ जाते हमारी थ्री डी कार, तो भाई मैं इसको भी निकाल लूँगा। भाई ये आ जाती है अभी काफ़ी बड़े साइज के अंदर आ जाती भाई, और ये आ जाता भाई इसका रिमोट। भाई इसका रिमोट भी थोड़ा अलग डिफरेंट मिल जाता है हमें देखने को। ये दोनों कार हमने बाय की है दोस्तों अमेजोन से, बाइक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप जिनको बाइक करना चाहते हो बाइक कर सकते हैं, बाकी हम इनकी परफॉर्मेंस बताने वाले हैं। तो भाई ये रिमोट आ जाता है येलो थ्री डी कार के अंदर, तो भाई इसका रिमोट काफ़ी डिफरेंट आ जाता है भाई, अलग से स्टाइल का आ जाता है भाई, बहुत ही स्लिम सा रिमोट आ जाता है भाई। इसमें बटन भी हमें लंबे मिल जाते हैं देखने को फॉरवर्ड बैकवर्ड। और भाई आ जाती है हमारी कार, भाई कार काफ़ी बड़े साइज के अंदर आ जाती है दोस्तों। हमने ब्लू कार मंगाई थी थ्री डी वाली, वो थोड़ी कम साइज की, तो भाई थोड़ा बड़े साइज की आ जाती है। और भाई इस साइड में देख सकते थोड़े ट्रांसपेरेंट मिल जाते हैं ऊपर की बॉडी भी, वो बिल्कुल ठीक ठाक ही मिल जाती है दोस्तों। ऐसे नहीं डैमेज जल्दी नहीं होगी आपकी, एंटीना मिल जाएगा इसमें, वो पीछे लाइट नहीं मिलेगी इसके अंदर, और ना फ्रंट हेडलाइट मिलती है इसके अंदर। भाई इसके अंदर जो मेन मिलता है इसके अंदर देखते हैं कितने मंडी कलर की थ्री लाइट्स के अंदर हमें मिलती है, चलिए हम देखने वाले हैं। एक और कमी मिल जाती है भाई, इसके अंदर टायर नहीं मिलता, छोटे वाले टायर लगा देते हैं भाई थ्री डी कार के अंदर ही है वाली इनमें, तो हमें नहीं मिलने वाला भाई। भाई वैसे बिल्कुल ओके मिली है भाई मेरे को, डैमेज नहीं मिली, आप रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको दोस्तों कार डैमेज या डिफेक्टिव मिलती है। इसके अंदर टायर प्लास्टिक के मिल जाते हैं भाई, एक टायर बीच में नहीं मिलता, जो हमारी कार को खुद ही टर्न कर देता है इधर उधर, मतलब वैसे दोस्तों आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो एक टायर लगा देते हैं जिससे कि कार खुद ही टर्न कर लेती है। भाई इसका बैटरी कंपार्टमेंट आ जाता है, इसमें स्विच ऑन ऑफ के लिए राइड करेगा स्विच इंडिकेटर। और भाई चलिए देखते हैं इसके अंदर कितनी बैटरी लग जाती है, तो भाई इसके अंदर लग जाती है ये बैटरी 1.5 वाट की, मतलब 3 साल इसके अंदर भाई लग जाएगी, वो आपको अपने पास से लगानी होगी भाई। कार के लिए नो इंक्लूड बैटरी और न रिमोट कंट्रोल कोई, मेरी एक स्पोर्ट्स कार, तो भाई बिल्कुल देखने में लगती है कि दोस्तों एक हाइपर एजेंट के अंदर कार आने वाली कार होती है उनके अंदर। दोस्तों इसके अंदर में एक फीचर मिल जाता है भाई, इसके अंदर में फ्रंट में हेडलाइट मिल जाती है भाई, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलने वाली है, जिसमें व्हाइट कलर की मिल जाती है दोस्तों, फोर फंक्शन वाली कार में मिल जाती है, इसमें हमें मिल जाती है। कलर भाई बहुत ही प्यारा है, दोनों येलो मिल जाते हैं। और भाई इसको आप फोर कलर में नहीं मंगा सकते, बाई नहीं कर सकते, इसको आप बहुत सारे मल्टी कलर में बाई कर सकते हैं। तो भाई इसमें भी टायर काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं भाई, टायर इसके भी प्लास्टिक के मिलते हैं, रबड़ नहीं मिलती टायरों पर। भाई इसके अंदर में देख सकते हैं ये फीचर बोलते हैं दोस्तों, हम दोनों ही टू फंक्शन वाली कार हैं भाई, इसके अंदर में टायर मिलता है इसके अंदर में नहीं मिलता, जो हमें दोस्तों हमारी कार को खुद ही टर्न कर देगा, मतलब राइट लेफ्ट के अंदर। और भाई इसके अंदर टायर थोड़े बड़े बड़े मिल जाते हैं, और उसके अंदर काफ़ी थोड़े छोटे मात्रा में हमें देखने को मिल जाए, इसके अंदर हमें टायर छोटे मिल जाते हैं, इसके अंदर टायर बड़े मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सी कार आपको बाय कर लेनी है, तो इसके अंदर आपको थ्री लाइट्स मिल जाएंगे, और उसके अंदर भाई आपको फ्रंट लाइट मिलेगी। बस की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ठीक मिल जाती है इस थ्री फेमस कार से, बस की विंडो आप ओपन नहीं कर सकते, वो पीछे भाई रेड लाइट ऐसी लगाती है, पीछे भी लाइट्स नहीं मिलती, इसके अंदर भाई फ्रंट ही लाइट्स मिलती हैं। और इसके अंदर भी देख लेते हैं हम कितनी साल लग, तो इसके अंदर भी भाई आपकी 3 साल लग जाएंगी, 1.5 वाट की 3 साल, तो मैं आपको लगा कर दिखाने वाला हूँ अभी दोस्तों। तो वॉचिंग फुल वीडियो। और भाई इसका रिमोट में ग्रीन मिलता है दोस्तों, कोई से रिमोट से आप इसको चला सकते हैं, कि इसका रिमोट ग्रीन तो ये नहीं चलेगा, दोनों कार पे एक ही रिमोट से हम दोस्तों इनकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए भी रिमोट के 2 साल लगने वाली, तो मतलब 3 साल और 2 साल, तो 5 साल आपको एक कार में लगा लेनी है, और 5 साल इस कार में लगने वाली है। आ जाती है बारी हमारी स्पोर्ट्स कार की, तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। तो भाई बैटरी हम कुछ ऐसी लगा ली, तो थोड़ा से बाद में सैल लगा देता हूँ, और देखते भाई हमारी कार होती है नहीं, कमी डैमेज तो नहीं, अगर आपको डैमेज या डिफेक्ट मिलती है दोस्तों हमने आपको बताया, तो आप रिटर्न पॉलिसी दोस्तों मिल जाती है अमेजोन पर। तो भाई मैंने स्विच ऑन कर दिया, कुछ भी पता नहीं लगता हमारी कार ऑन हो गई दोस्तों। मैं बैटरी लगा रहा हूँ, आप सेल भी लगा सकते हैं भाई, ये सेल जैसी बैटरी हो दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ फटाफट से, तो देखते हैं भाई हमारी कार चलती है नहीं। तो दोस्तों स्विच को मैं कर लेता हूँ ऑन, तो भाई स्विच को ऑन करते हैं, इसके अंदर में 3 कलर की लाइट मिल जाएंगी, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो चलिए भाई एक रिमोट में हम इंस्टॉलिंग करने वाले हैं, भाई इस वाले रिमोट में हम इंस्टॉलिंग कर लेते हैं। चलिए फटाफट से दोस्तों मैं बैटरी लगा लेता हूँ, देखते भाई हमारी कार चलती है ना भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते भाई। तो दोस्तों भाई हमने इस वाले रिमोट के अंदर इंस्टॉलिंग कर ली है, जो भाई थ्री लाइट्स कार के साथ हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं भाई रेस करा कर, तो भाई कौन सी की ज़्यादा स्पीड हमें देखने को मिलती है। तो भाई देखा आपने दोस्तों, भाई ये वाली स्पोर्ट्स कार इसकी से आगे निकल जाते थे, मतलब स्पीड इसकी ज़्यादा हमें मिलती,